नमस्कार, जी कैपिटल में आप लोगों का स्वागत है। एपिसोड 35 में हम एफएसटी 001 के खंड 6 में दी गई इकाई 24 से आगे का अध्ययन करेंगे। इकाई 24 मनोविज्ञान और व्यवहार के पहलू। पिछली इकाई में हमने मस्तिष्क की संरचना व कार्य और तंत्रिका तंत्र के संबंध में पढ़ा। वहां हमने देखा कि हमारा व्यवहार मस्तिष्क, तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र या वाहिनी हीन ग्रंथियों की गतिविधियों पर निर्भर है। चूंकि मानव मस्तिष्क बहुत जटिल है और चिंतन, कल्पना या अंतर्ज्ञान जैसी गतिविधियों की व्याख्या करना मुश्किल है, इसलिए मस्तिष्क के कार्य के संबंध में हमारी जानकारी अधूरी है। मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र जो संकेत लेते और देते हैं, उनके आधार पर मस्तिष्क और तंत्रिका के क्रियाकलाप को समझना मस्तिष्क के आंतरिक कार्य को समझने की अपेक्षा कहीं अधिक सरल व व्यवहारिक है। इस दृष्टि से हम मानव व्यवहार और मनोविज्ञान के कुछ पहलुओं पर चर्चा करना चाहेंगे। मानसिक विकास के विभिन्न चरण और अधिगम, रचनात्मकता एवं व्यक्तिगत विशेषताओं की भूमिका जैसे कई प्रश्नों का भी संक्षेप में स्पष्टीकरण किया गया है। हम मानव क्षमता इंजीनियरिंग का संक्षिप्त विवरण भी देंगे। यह एक विज्ञान है जिसमें मशीन, औजार या कार्य स्थल का खाका बनाते समय मानव शरीर की क्षमताओं और सीमाओं का ध्यान रखा जाता है। मानव असामान्य पर्यावरण के साथ अपना तालमेल किस प्रकार बिठा लेता है, यह जानने की उत्सुकता ही अंतरिक्ष में मानव द्वारा किए गए अनुभवों व प्रयोगों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती है। ऐसे ही अन्वेषणों के दौरान किए गए कुछ पर्यवेक्षणों पर भी हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। इस इकाई को पढ़ने का उद्देश्य यह होगा कि इस इकाई को पढ़ने के बाद अधिगम की प्रक्रिया के 3 रूपों का वर्णन कर सकेंगे, बुद्धिमता और रचनात्मकता के बीच अंतर स्पष्ट कर सकेंगे, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक और व्यवहार संबंधी परिवर्तनों को जान सकेंगे, यह बता सकेंगे कि आक्रामक व्यवहार जन्मजात सहज गुण है या अर्जित गुण, मानव क्षमता इंजीनियरिंग के विकास की आवश्यकता पर प्रकाश डाल सकेंगे, अंतरिक्ष में मनुष्य पर किए गए कुछ मनोवैज्ञानिक प्रयोगों का वर्णन कर सकेंगे। 24.2 अधिगम मतलब सीखना। जब हम अधिगम अर्थात सीखने की बात करते हैं तो इसका मतलब प्रायः नए कौशल, नई जानकारी, नई सूचना या नए विचारों को हासिल करना होता है। जैसे साइकिल चलाना सीखना, कोई नया खेल खेलना सीखना, कोई नई भाषा बोलना सीखना। जीवन में अभी तक आपने चलने, बोलने, उठने, बैठने से लेकर इतिहास, भूगोल, गणित, सामाजिक तौर तरीकों, सही और गलत की पहचान, न्याय और अन्याय के विचार न जाने क्या क्या सीखा होगा। वस्तुतः आपका दृष्टिकोण, मूल्य और विश्वास जो आपको दूसरों से भिन्न बनाते हैं, निरंतर सीखते जाने का ही परिणाम है। हम हर दिन नई परिस्थितियों, नए अनुभवों का सामना करते हैं और इस प्रकार हर दिन कुछ नया सीखते हैं। हमारा व्यवहार हमारे सीखने से जुड़ा है, चाहे वह हमने प्रशिक्षण द्वारा सीखा हो, अध्ययन द्वारा सीखा हो या अनुभव द्वारा सीखा हो। पर इसका मतलब यह नहीं कि सभी व्यवहार विवेकपूर्ण या तर्कसंगत हैं। हो सकता है कि बचपन में आपने कोई ऐसी आदत डाल ली जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे गंदा रहना या आलसी होना। परिवार या मित्रों से आप कभी कभी जीवन के प्रति गलत मूल्यों को अपना सकते हैं, जैसे दूसरों को अछूत समझना, भाषा या धर्म अलग होने के कारण उससे बात न करना या घृणा करना। हालांकि कुछ व्यवहार सहज अर्थात जन्मजात होते हैं, कुछ चीजें आप बिना सीखे करते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को चोट वगैरह से सहज रक्षा करती है। 24.2.1 उद्दीपन और अनुक्रिया। मानव व्यवहार और प्रकृति का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों अर्थात मनोवैज्ञानिकों ने सीखने की उस आधारभूत प्रक्रिया को समझने की कोशिश की जिसकी शुरुआत सामान्य क्रियाओं और परिस्थितियों से होती है। इनमें सीखने का सहज तरीका उद्दीपन और अनुक्रिया का है। रूसी नोबेल पुरस्कार विजेता इवान पावलोफ ने 1900 के आरंभ में कुत्तों पर कुछ प्रयोग किए थे जो शायद उद्दीपन से उत्पन्न अनुक्रिया के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। कुत्तों में पाचन क्रिया का अध्ययन करते समय वे लार के प्रवाह को नापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कुत्ते के गाल में एक ट्यूब लगाकर मांस का एक कटोरा उसके सामने रखा।
उसे देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गया। यह कुत्ते की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। भोजन मिलने पर उसके मुंह में पानी आने लगता है, लेकिन प्रयोग के समय ये विचित्र एक बात हुई। भोजन की बात तो दूर, उपकरण या प्रयोगकर्ता को देखते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। पावलोव इसे निरर्थक कहकर छोड़ भी सकते थे, पर वैज्ञानिक होने के नाते उन्होंने स्वयं से प्रश्न करना आरंभ किया। पावलोव जानते थे कि भोजन देखते ही मुंह में पानी आना स्वाभाविक प्रतिवर्ती क्रिया है। यह कुत्ते में जन्मजात होती है, पर दूसरी प्रतिक्रिया नई थी जिसे हम सीखी हुई प्रतिवर्ती क्रिया कह सकते हैं। अब उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि कुत्ता दूसरी उद्दीपनों से भोजन को जोड़ सकता है या नहीं। एक विशिष्ट प्रयोग में कुत्ते को मांस देने से पहले घंटी बजाई गई। ऐसा कई बार किया गया। कुछ समय बाद पावलोव ने देखा कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह में पानी आने लगता था। इस प्रकार कुत्ते ने घंटी को भोजन से संबद्ध कर लिया था। उसके मस्तिष्क में यह बात बैठ गई कि घंटी बजेगी तो खाना मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य भी सामान्य उदाहरण के अनुसार सीखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा करता है तो आप उस व्यक्ति को उसकी अच्छाई के साथ जोड़ने लगेंगे। अक्सर धोखेबाज इसी चालबाजी का सहारा लेते हैं। पहले पहल वे आपके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं और आपका विश्वास जीत लेने के बाद आपकी चीज़ें लेकर 9-2-11 हो जाते हैं। 24.2.2 पुरस्कार व दंड। पुरस्कार व दंड यह सीखने या सिखाने का दूसरा तरीका है। उदाहरण के लिए, आपके पास एक पिल्ला है और आप चाहते हैं कि जब आप उसे बैठने को कहें तो वह बैठ जाए, पर बैठो यह सब उसकी समझ के बाहर है। लेकिन जब आप बैठो इस शब्द के साथ उसे अपने हाथों से बिठाएंगे, साथ में एक बिस्किट देंगे और बार बार इस प्रक्रिया को दोहराएंगे तो वह आपके बैठो कहते ही बैठने लगेगा। पिल्ला बैठो शब्द को बिस्किट के साथ जोड़ने लगेगा। प्रशिक्षण के बाद जैसे ही आप उसे बैठो कहेंगे तो वह फौरन बैठ जाएगा, चाहे आप उसे बिस्किट दें या ना दें। कभी कभी पुरस्कार के समान दंड से भी यही परिणाम हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रियाओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए, भूख लगने पर बच्चा रोता है। इससे माँ का ध्यान बच्चे की ओर जाता है और परिणाम यह होता है कि वह बच्चे को दूध पिलाती है। बच्चा शीघ्र ही यह समझ लेता है। इसी प्रकार अगर छात्र गणित की कक्षा में प्रश्न का सही हल नहीं निकाल लेता है और शिक्षक उसकी तारीफ करता है तो अगली बार वह शिक्षक की प्रशंसा पाने के लालच में प्रश्न को और भी लगन से हल करने का प्रयत्न करेगा। हम सभी के जीवन में ऐसे कई अवसर आए हैं जब हमें अवांछनीय व्यवहार के लिए दंड मिला है, अर्थात थप्पड़ पड़े हैं, डांट खाने को मिली है या सुविधाओं से वंचित किया गया है। ये दंडित करने के आम तरीके हैं। उदाहरण के लिए, पुलिस वाला लाल बत्ती में निकलने पर मोटर चालक का चालान कर देता है, या माँ बाप गृह कार्य समाप्त न करने तक बच्चे को टेलीविजन देखने की अनुमति नहीं देते। पुरस्कार और दंड के इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में बहुत इस्तेमाल हुआ है। स्कूल के शिक्षक बच्चों को अच्छा काम करने पर पुरस्कार से प्रोत्साहित करते और अच्छा न करने पर या बुरा काम करने पर दंड देते या निरुत्साहित करते देखे गए हैं। समाज और सार्वजनिक संगठनों या कार्य स्थलों पर भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। जैसे फैक्ट्री में उत्पादन कम होने पर मजदूरी काट ली जाती है और अधिक उत्पादन होने पर मजदूरों को विशेष भत्ता दिया जाता है। हम अपने जीवन में प्रयत्न से भी बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे साइकिल चलाना, हम बार बार गिरने के बावजूद साइकिल चलाना सीखने से बाज नहीं आते, क्योंकि हम में सीखने की प्रबल इच्छा होती है या हमें उसमें कोई लाभ दिखाई पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जब भी हम कोई गलती करते हैं उसे अगली बार न करने की हमारी कोशिश होती है। गलती को सुधारने की इच्छा ही जल्दी से कुछ सीखने का सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग है। 24.2.3 संज्ञानात्मक अधिगम। सामान्यतः सीखने के स्मृति, तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण से चार पहलू हैं। स्मृति का निश्चित रूप से प्रमुख स्थान है,
क्योंकि हमने जो कुछ सीखा है उसे बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है, लेकिन केवल स्मृति अपने आप में पर्याप्त नहीं। पूरी पुस्तक याद कर लेने के बावजूद आप मूर्ख के मूर्ख बने रह सकते हैं। आपने स्मृति से तो जो कुछ भी सीखा है उसे तर्क की कसौटी पर उतारना भी आवश्यक है। जैसा कि हमने इकाई 23 में देखा है, यह प्रक्रिया मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में होती है। तर्क से हम यह देख सकते हैं कि विभिन्न सूचना या विभिन्न विचारों व धारणाओं के बीच क्या संबंध है, उदाहरण के लिए सूर्योदय और धूप या बादल और वर्षा के बीच। इसे कार्य कारण संबंध की संज्ञा भी दी जा सकती है। हमने जो कुछ भी सीखा है या जो सूचना प्राप्त की है उसे तर्क वितर्क कर अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए हत्या का एक मामला लीजिए। तर्क और विश्लेषण के आधार पर विभिन्न तथ्यों को खोजकर हमें यह पता चल सकता है कि हत्या किसने और कैसे की होगी। विश्लेषण का स्थान इस स्थान पर स्मृति या तर्क से ऊंचा हो जाता है। हालांकि वस्तु स्थिति को पूर्ण रूप से जानने के लिए विश्लेषण के समय विभिन्न क्षेत्रों से मिली जानकारी का संश्लेषण आवश्यक है। पूरी प्रक्रिया इस प्रकार होगी। वस्तु स्थिति को पूरी तरह समझने के लिए पहले हम तथ्यों को अलग अलग सूचना के रूप में लेंगे, उन तथ्यों का कारण ढूंढेंगे, कारणों का विश्लेषण करेंगे और फिर उन सबको इकट्ठा करके उनका संश्लेषण करेंगे। संश्लेषण उच्च स्तरीय मानसिक प्रक्रिया है, अतः इसका स्थान विश्लेषण से भी ऊंचा है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि ये सब प्रतिक्रियाएं अलग अलग या एक के बाद एक ही होती हैं। मस्तिष्क में विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया तब तक आगे पीछे होती रहती है जब तक हम किसी निष्कर्ष या परिणाम पर नहीं पहुंच पाते। इस प्रकार के सीखने को ही संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं, जो वास्तव में बहुत जटिल है। 24.3 बौद्धिक स्तर। आइए अब हम अपना ध्यान वयस्कों पर केंद्रित करें। उनके मामले में संज्ञानात्मक अधिगम स्मृति, तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण पर निर्भर करता है, परंतु सब व्यक्ति समान नहीं होते। व्यक्ति जन्म या पर्यावरण के कारण भिन्न हो सकता है। इसके अलावा वह व्यक्ति इसलिए भी भिन्न हो सकता है कि उसे सीखने के कितने अवसर प्राप्त हुए। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति मानसिक योग्यता की दृष्टि से भिन्न है, इसलिए उसकी इस योग्यता को नापने की आवश्यकता है। व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को नापने पर जो परिणाम सामने आते हैं वही उसका बौद्धिक स्तर IQ कहलाता है। किसी का बौद्धिक स्तर जानने के लिए हमें उसकी मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग देना होगा और फिर 100 से गुणा करना होगा। जैसे मानसिक आयु गुणे 100 डिवाइडेड बाई वास्तविक आयु इज इक्वल टू बौद्धिक स्तर। अर्थात जब किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु के समान होती है तो हम कहते हैं कि उसका बौद्धिक स्तर 100% है। उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और उसकी बुद्धि अर्थात मानसिक आयु भी 20% है तो हम कहेंगे कि उसका बौद्धिक स्तर 100% है। अगर उसकी मानसिक आयु उसकी शारीरिक आयु से कम है तो हम कहेंगे कि उसका बौद्धिक स्तर 100% से कम है। और अगर उसकी मानसिक आयु उसकी वास्तविक आयु से अधिक है तो हम कहेंगे कि उसका बौद्धिक स्तर 100% से ऊंचा है। विभिन्न बौद्धिक स्तरों के लिए जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वे तालिका 24.3 में दिए गए हैं। और जैसा कि आप देखेंगे कि अधिकांश लोगों का बौद्धिक स्तर 100 के लगभग होता है। बौद्धिक स्तर शब्दों में जनसंख्या में उनका प्रतिशत तालिका इस प्रकार से बना लीजिए। पहले कॉलम में डालिए बौद्धिक स्तर, दूसरा डालिए उसके शब्दों में और तीसरा डालिए जनसंख्या में उनका प्रतिशत। तो बौद्धिक स्तर वाले में पहली लाइन होगी 139 से ऊपर तो उसको क्या बोलेंगे, सर्वोत्तम। और ऐसे कितने लोग होते हैं, 1%। 120 से 139 इनको क्या बोलेंगे, उत्तम। और इनके परसेंटेज क्या होते हैं, 11% के आसपास। 110 से 119 इनको बोलते हैं औसत से बढ़कर। और ऐसे लोग होते हैं 18%। 90 से 109 ऐसे लोगों को औसत बुद्धि वाला बोला जाता है और ऐसे होते हैं 46% लोग। 80 से 89 औसत से कम और ऐसे परसेंटेज हैं लोगों के 15%। और 70 से 79 सीमा रेखा है
जो 6% लोग पाए जाते हैं और 70 से नीचे मानसिक रूप से पिछड़ा हुआ 3% लोग पाए जाते हैं। इस प्रकार जो बौद्धिक स्तर को शब्दों में क्या बयान करते हैं कि इनका परसेंट इतना निकला तो उसको शब्द में क्या बोलेंगे, और इस प्रकार के कितने परसेंट लोग दुनिया में पाए जाते हैं वो हमने परसेंट के रूप में देखा। आप देख सकते हैं कि ये परीक्षण उन लोगों द्वारा अच्छी प्रकार किए जा सकते हैं जिन्हें शब्दों, संख्याओं और चित्रों की अच्छी जानकारी हो। एक अनपढ़ देहाती स्कूल के एक शिक्षक जितना ही बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर के परीक्षण में शिक्षक को अधिक नंबर मिल सकते हैं। इसलिए इन परीक्षणों में सावधानी बरती जानी चाहिए, विशेष रूप से किसी वर्ग के लोगों की इनके आधार पर निंदा नहीं करनी चाहिए। यह निसंदेह एक बुद्धि की दृष्टि से हर व्यक्ति भिन्न होता है, लेकिन व्यक्ति के आर्थिक स्तर, रंग, जाति या बिरादरी या उसके बौद्धिक स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर आपको पढ़ने की आदत है या आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो निश्चय ही आप परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। इसमें भी शक नहीं है कि वातावरण का भी आपके बौद्धिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि वातावरण या माहौल को बदल देने से बौद्धिक स्तर में काफी फर्क पड़ जाता है, और उस बच्चे में वातावरण को बदलते ही पर्याप्त अंतर देखा गया है जिसका बौद्धिक विकास पहले एकदम धीमा था। हाल ही के वर्षों में यहाँ तक सोचा जाता था कि बौद्धिक स्तर जन्म के समय से ही सुनिश्चित हो जाता है, आगे के जीवन में उसे कोई चीज प्रभावित नहीं कर सकती, लेकिन विभिन्न समूहों पर किए गए अध्ययन ने यह सिद्ध कर दिया है कि जन्म से पहले और जन्म के पश्चात जीवन के प्रथम वर्षों में अपर्याप्त पोषण का शरीर पर भी नहीं वरन दिमाग पर भी असर पड़ता है। सभी पोषक तत्वों के न मिलने से न केवल शारीरिक विकास कम होता है बल्कि मानसिक विकास में भी बाधा आ जाती है। सामान्यतः बौद्धिक परीक्षणों का स्कूल की उपलब्धि से अधिक और आगे के जीवन के उपलब्धि से कम रिश्ता है। उदाहरण के लिए, यह आवश्यक नहीं है कि एक बहुत सफल व्यापारी, क्रिकेट के खिलाड़ी या राजनीतिज्ञ का बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो। किसी एक विशेष बौद्धिक परीक्षण में यदि परीक्षार्थी सभी प्रश्नों का सही उत्तर दे सके और अच्छे नंबर पा सके तब भी यह आवश्यक नहीं है कि वह कविता लिख सकेगा, चित्र बना सकेगा या किसी नए यंत्र का आविष्कार कर सकेगा या नए सिद्धांत का प्रतिपादन कर सकेगा। इस प्रकार की योग्यताओं के लिए व्यक्ति में रचनात्मकता होनी चाहिए, जिसकी अब हम व्याख्या करने जा रहे हैं। 24.4 रचनात्मकता। नए विचारों के प्रतिपादन की योग्यता पूर्णतः तर्क पर आधारित नहीं, क्योंकि तर्क से व्यक्ति जहाँ का तहाँ रहेगा, वह किसी नए निष्कर्ष पर नहीं पहुँचेगा। नए विचार की रचना के लिए आपको तर्क से ऊपर उठना होगा। हालांकि नया विचार कितना सार्थक है यह एक अलग बात है। मान लीजिए एक कलाकार एक सुंदर चित्र बनाता है ज्यामितीय विचार से नहीं, लेकिन अपनी खूबसूरत कल्पना को आकार देने की प्रेरणा से। रचनात्मकता में कल्पना ही महत्वपूर्ण भूमिका है, जो व्यक्ति किसी परिस्थिति विशेष में एक विचार के कई विकल्प ढूंढ सकता है। उसके विचार में प्रवाह और लचीलापन होता है जो रचनात्मकता में सहायक सिद्ध होता है। इस प्रकार की असाधारण योग्यता तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण से भिन्न होती है। यह असाधारण योग्यता दुनिया में हमारी प्रगति, समझ और महान कलाकृतियों और विश्व विख्यात रचनाओं का स्रोत है। विज्ञान में न्यूटन और आइंस्टाइन, कला में टैगोर और तानसेन, समाजशास्त्र में मार्क्स और गांधी इसके अच्छे उदाहरण हैं। देखा गया है कि असाधारण विचारों वाले व्यक्ति परंपराओं और नियमों से जकड़े हुए नहीं होते, वे दकियानुषी नहीं होते, अपने विचारों में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार के गुणों वाले छात्र प्रायः अपने शिक्षकों के प्रिय पात्र नहीं बन पाते और स्कूल भी कभी कभी उनके मार्ग में आरे आता है। हालांकि वस्तु स्थिति विपरीत होनी चाहिए। रचनात्मक लोगों का समाज की प्रगति में बहुत बड़ा हाथ होता है, इसलिए हमें अपनी शिक्षा और स्कूलों को ऐसी दिशा देनी चाहिए जिससे वे ऐसे रचनात्मक कार्यों को और अधिक प्रोत्साहन दे सकें। रचनात्मकता योग्यता को नापने के लिए नमूने के तौर पर कुछ समस्याओं को अलग अलग चित्रों के हिसाब से वर्णित किया जा सकता है।
इस प्रकार के कई प्रश्न व्यक्ति की बौद्धिक और रचनात्मक क्षमता के बीच आपसी संबंध ढूंढ निकालने के लिए तैयार किए गए थे। परिणाम से पता चलता है कि बौद्धिक स्तर और रचनात्मकता के बीच कोई खास रिश्ता नहीं था। अगर व्यक्ति का बौद्धिक स्तर नीचा था तो उसकी रचनात्मकता योग्यता भी नीची थी, और व्यक्ति की रचनात्मकता योग्यता ऊंची थी तो उसका बौद्धिक स्तर औसत से ऊंचा था। लेकिन उच्च बौद्धिक स्तर का मतलब निश्चित रूप से उच्च रचनात्मक योग्यता नहीं था। औसत से अधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के समूह में देखा गया कि रचनात्मकता योग्यता और बौद्धिक स्तर के बीच कोई रिश्ता नहीं था। 24.5 किशोरावस्था। इकाई 23 मस्तिष्क और शरीर में आपने पढ़ा कि सही विकास के लिए कुछ हार्मोन आवश्यक हैं। लगभग 12 वर्ष की आयु से शरीर में विशेष हार्मोन बनने लगते हैं और हम बाल्यावस्था से वयस्कता की ओर अग्रसर होते हैं। इस बीच की अवस्था ही किशोरावस्था कहलाती है। इसमें जननांगों के क्रमिक विकास के साथ शरीर का बड़ी गति से विकास होता है। लड़कों के दाढ़ी मूछ आने लगते हैं और लड़कियों के वक्ष स्थल विकसित होने लगते हैं। किशोरावस्था लगभग 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। 18 वर्ष तक होने तक शारीरिक वृद्धि रुक जाती है। किशोरावस्था के दौरान शारीरिक विकास ही नहीं होता, वरन लैंगिक विकास के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आता है। वह इस लायक हो जाता है कि स्वतंत्र रूप से सोच सके, विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दे सके। वह दुनिया को अपने दृष्टिकोण से देखने लगता है, उसकी अपनी विचारधारा बनने लगती है। अन्य शब्दों में यही वह अवस्था है जब उसके व्यक्तित्व में निखार आने लगता है। इस अवस्था के समाप्त होते ही लड़के लड़कियां वयस्क बन जाते हैं और सामान्यतः अपने पैरों पर खड़े होने लायक हो जाते हैं। 5-6 वर्ष का यह समय बड़ा नाजुक होता है। इस अवस्था के लड़के लड़कियां 7वीं-8वीं से लेकर 12वीं या कॉलेज के पहले वर्ष में होते हैं। अतः इन कक्षाओं के शिक्षकों को अपने छात्रों के साथ उनकी इस अवस्था को देखते हुए सावधानी से पेश आना चाहिए। संक्रमण काल एक किशोर के लिए भद्दा, बेढंगा, पेचीदा और भ्रांतिपूर्ण हो सकता है। वह इस अवस्था में आक्रामक, झगड़ालू, भीरू या शर्मीला भी हो सकता है। लेकिन साथ ही हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह उसके लिए एक अद्भुत अनुभव भी है। बचपन को पीछे छोड़ वह समाज के एक विश्वस्त सदस्य के रूप में दुनिया के सामने आता है। 24.6 आकांक्षाएं, संघर्ष और कुंठाएं। पिछले खंड में हमारे चर्चा का विषय था किशोरावस्था, जब किशोरों को नई शारीरिक और मानसिक परिस्थितियों के साथ अपना तालमेल बिठाना पड़ता है और निर्णय लेना होता है कि समय कैसे बिताएं, पैसा कहाँ खर्च करें और शक्ति कहाँ लगाएं। उन्हें चुनाव करना होता है कि वह क्या करें या ना करें, सिनेमा जाएं या घर में बैठकर पढ़ें, क्या पहने क्या ना पहने। यह चुनाव हालांकि मुश्किल नहीं, लेकिन इस अवस्था में हम ऐसे मोड़ पर भी आ खड़े हो सकते हैं जहां रास्ता चुनना कठिन हो सकता है। विवाह, धार्मिक विश्वास, कार्य परिवर्तन आदि के संबंध में दुविधा में पड़ सकते हैं। स्थिति गंभीर हो सकती है और यह चिंता और कुंठा का कारण बन सकती है। कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं या किसी लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, पर घर, परिवार, कार्यस्थल, सामाजिक या वैयक्तिक परिस्थितियों के कारण आकांक्षाओं और लक्ष्यों का दायरा सीमित हो सकता है। अगर दो लक्ष्यों के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो तनाव एकदम बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए, एक ओर आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं और दूसरी ओर अपनी कक्षा में अधिक से अधिक अंक पाना चाहते हैं। दोनों कामों के लिए आपको बहुत समय चाहिए, अतः आपको दोनों में से एक को चुनना होगा। अगर आपका इस संघर्ष से समन्वय नहीं हो पाता या आप निर्णय नहीं ले पाते तो गंभीर मनोवैज्ञानिक या मानसिक समस्या पैदा हो सकती है। अगर आप कुंठित हो जाते हैं तो क्या होता है, आप अशांत हो जाते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। इससे आपका व्यवहार बदल जाता है, आप अविवेकी और चिड़चिड़े हो जाते हैं, पगला से जाते हैं। हम इन प्रतिक्रियाओं पर बाद में दृष्टिपात करेंगे, परंतु कुंठा की भावना समस्या का संकेत देती है जिसे हल किया जाना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि समस्या को ठीक से
समझा नहीं जाता तो पहला कदम यह है कि समस्या को ठीक से समझा जाए। हमें देखना होगा कि हम वस्तुतः चाहते क्या हैं, हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं और रुकावटें कहाँ हैं। अगर हम एक बार यह देख लेते हैं तो हमें अपने इच्छा अनुसार ठीक निर्णय लेने में कठिनाई नहीं होगी। इसी प्रकार के अनुभव वस्तुतः हमारे मानसिक विकास के आधार हैं। उदाहरण के लिए जो विद्यार्थी परीक्षा में अच्छा नहीं करता वह असफल हो जाता है, इससे उसमें कुंठा पैदा हो सकती है। लेकिन अगर वह यह जान लेता है कि उसकी असफलता का कारण क्या था, उसके मार्ग में क्या रुकावट थी, क्या वह ठीक से पढ़ा नहीं था, क्या उसका ध्यान किसी और तरफ था, क्या उसके दोस्तों ने उसे पढ़ने नहीं दिया था या शिक्षक ने ठीक से नहीं पढ़ाया था, इन प्रश्नों का उत्तर देकर वह असफलता के कारण को आसानी से दूर कर फिर से परीक्षा में बैठ सकता है और अपनी कुंठा से छुटकारा पा सकता है। लेकिन अगर कुंठा बनी रहती है तो उसका व्यवहार आक्रामक हो सकता है। 24.7 आक्रामक व्यवहार। हमें जब गुस्सा आता है या किसी के प्रति रोष होता है तो अपने पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा व्यवहार आक्रामक हो जाता है। आक्रामक से हमारा क्या मतलब है, इसमें हम दूसरों को शारीरिक या मौखिक रूप से हानि पहुंचाने या उसकी चीजों को तहस नहस करने का निश्चय करते हैं। आपने देखा यहाँ हमने निश्चय शब्द को रेखांकित किया है। अगर भीड़ में अनजाने में आपका पैर किसी दूसरे के पैर पर पड़ जाए और आप तुरंत क्षमा मांग लेते हैं तो आपके इस कृत्य को आक्रामक नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपने जानबूझकर उसका पैर नहीं कुचला था। 24.7.1 सहज या सीखा हुआ। आप जान गए हैं कि आक्रामक व्यवहार क्या है। आइए हम विश्लेषण करने की कोशिश करें कि क्या यह व्यवहार सहज स्वाभाविक होता है अथवा सीखा हुआ। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि आक्रामक व्यवहार सहज होता है। इसके लिए वे दो तर्क सामने रखते हैं। पहला, यह आपको सब जगह दिखाई देगा। हमारा इतिहास युद्धों और संघर्षों का इतिहास है। हमारे समाचार पत्र हिंसात्मक घटनाओं से भरे रहते हैं। दूसरा, आक्रामक व्यवहार पशुओं में भी देखने को मिलता है। कुछ पशुओं में तो आक्रामकता इतनी अधिक होती है कि हम आक्रामकता के लिए उनका प्रजनन करते हैं, जैसे बुलडॉग, शिकारी कुत्ता और टेरियर, जिनमें पुडल इत्यादि से ज्यादा आक्रामकता होती है। इन कुत्तों को शिकार और अपराधियों का पता लगाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। पुराने जमाने में राजा और नवाब भेड़, मुर्गे, बाज इत्यादि पक्षियों को आपस में लड़वाने के लिए प्रशिक्षित व प्रजनन करते थे। आक्रामकता के कारण उनकी नस्ल की रक्षा की जाती थी। दूसरी ओर अन्य मनोवैज्ञानिक यह कहते हैं कि आक्रामक भावना कुंठा और संघर्ष का परिणाम है और यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। इसे बाहर निकालना ही चाहिए। इसकी हम आगे चलकर व्याख्या करेंगे। 24.7.2 आक्रामकता और जैविक आधार। अध्ययन से पता चलता है कि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के एक विशेष क्षेत्र को हल्का सा बिजली का झटका देकर पशुओं के आक्रामक व्यवहार को उकसाया जा सकता है। प्रयोग के लिए एक बिल्ली के हाइपोथैलेमस को जब बिजली का झटका दिया जाता है तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह आक्रामक मुद्रा में गुर्राते हुए खड़ी हो गई और पिंजरे में रखी किसी भी वस्तु पर आक्रमण करने लगती है। बंदर जैसे विकसित स्तनपाइयों में इस तरह का व्यवहार नहीं देखा गया। उनका व्यवहार हाइपोथैलेमस में संवेदन की अपेक्षा प्रमस्तिष्क वल्कुट से अधिक नियंत्रित होता है। संवेदना प्राप्त होने की स्थिति में हाइपोथैलेमस मस्तिष्क प्रांत अस्था को यह सूचना भेजता है कि उसके आक्रामक व्यवहार के क्षेत्र को संवेदित किया गया है, उकसाया गया है। प्रांतस्था उस स्थिति में उचित प्रक्रिया का निर्णय करती है। वह एक ओर परिस्थितियों को देखती है और दूसरी ओर मस्तिष्क में अंकित पिछले अनुभवों को देखते हुए उचित प्रक्रिया का चुनाव करती है। हमारे मस्तिष्क में भी ऐसे केंद्र हैं जो हमें आक्रामक व्यवहार के लिए उकसा सकते हैं, लेकिन वे संज्ञानात्मक नियंत्रण में रहते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति जिनके मस्तिष्क को क्षति पहुंचती हो अपने पर नियंत्रण नहीं रख सकते, ऐसे व्यक्ति उस स्थिति में भी आक्रामक व्यवहार करते हैं जिसमें एक सामान्य व्यक्ति की प्रतिक्रिया सामान्य होती है। ऐसे व्यक्तियों का प्रतिमस्तिष्क बलकुट क्षतिग्रस्त रहता है।
सामान्य व्यक्ति का आक्रामक व्यवहार प्रायः सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत अनुभवों से नियंत्रण में रहता है। 24.7.3 आक्रामकता एक सीखी हुई प्रतिक्रिया के रूप में। पिछले खंड में आपने पढ़ा कि मनुष्य में आक्रामकता व्यवहार सिर्फ सहज या नैसर्गिक नहीं है, यह एक व्यक्ति का व्यवहार अपने लक्ष्य में असफलता के कारण कुंठित है हो सकता है, आक्रामक न हो सकता है, उसके तनावपूर्ण परिस्थितियों के साथ समझौता करना सीख लिया हो। यहाँ हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या बड़े ध्यान से कुछ पढ़ रहे हैं एंड इसी वक्त आपका पड़ोसी जोर से रेडियो लगा देता है। पहले आप शायद उससे जाकर अनुरोध करेंगे कि वह रेडियो धीमा कर दे, लेकिन अगर वह धीमा करने से इनकार कर देता है तो आपको सोचना होगा कि ऐसी हालत में आप क्या करें। ऐसी हालत में आप गुस्से में आकर उसे दो चार गालियां सुना सकते हैं, आप उससे मारपीट कर सकते हैं, या फिर अपना गुस्सा पीकर जैसे गए थे वैसे ही वापिस आ सकते हैं, अपनी पुस्तकें उठाकर कहीं और जाकर पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं और बाद में मूड ठीक होने पर अपने पड़ोसी से इस बारे में शांति से बात कर सकते हैं। अब प्रश्न है कि आप इन तीनों में से किसका चुनाव करेंगे। आपके सामने ऐसी स्थिति कई बार आई होगी और आपने इन तीनों में से कोई एक कदम अवश्य उठाए होंगे और जिसमें आप सबसे ज्यादा सफल रहे होंगे वही कदम आप इस बार भी उठाएंगे। आक्रामक व्यवहार अप्रिय परिस्थितियों का ही परिणाम है। दो समूहों के साथ किए गए अध्ययनों में एक समूह को गर्म व घुटन वाले कमरे में और दूसरे समूह को वातानुकूल व बढ़िया कमरे में काम करने के लिए बिठाया गया। कुछ समय बाद एक व्यक्ति को दोनों समूहों के साथ बारी बारी से आक्रामक व्यवहार करने के लिए भेजा गया। जो समूह गर्म और घुटन वाले कमरे में काम कर रहा था वह इस व्यक्ति के अप्रिय व्यवहार से एकदम नाराज हो गया, जबकि जो समूह वातानुकूलित बढ़िया कमरे में बैठा था उसका व्यवहार इस व्यक्ति के साथ अपेक्षाकृत शांत था। आपने देखा होगा कि अगर माता पिता अपने बच्चों के साथ कड़क कर बोलते हैं तो बच्चे भी वैसा ही बोलना सीख लेते हैं। बच्चे बड़ों की नकल करते हैं। वे अगर बड़ों को आक्रामकता से पेश आते देखते हैं तो आपस में दो कदम और आगे बढ़ जाते हैं, जैसे एक दूसरे को डांटना डपटना, मारना पीटना, धक्का देना, गाली गलौज आदि करना। दूसरी ओर ऐसा देखा गया है कि जो बच्चे बड़ों में आक्रामकता नहीं देखते हैं उनका व्यवहार प्रायः आक्रामक नहीं होता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमारा आक्रामक व्यवहार देखकर सीखी हुई एक प्रतिक्रिया है और परिणाम के स्वरूप यह बढ़ता या घटता है। उदाहरण के लिए एक किशोर को लें जो दूसरों लड़कों से ज्यादा लंबा चौड़ा और जानता है कि वह जो कुछ चाहता है उसे दूसरों को डरा धमका कर या मारपीट कर हासिल कर सकता है तो वह बार बार यही करेगा। कभी कभी हम अपना गुस्सा प्रत्यक्ष रूप से उस पर नहीं निकाल पाते जो हमारी कुंठा का वास्तविक कारण है। ऐसी स्थिति में हम अपना गुस्सा दूसरे पर निकालते हैं। यह विस्थापित आक्रामकता हुई। उदाहरण के लिए 15-16 वर्षीय मोहन अपने दोस्तों के साथ सप्ताहांत पर बाहर घूमने जाता है। माता पिता मना कर देते हैं। इस पर उसे बहुत गुस्सा आता है पर माता पिता को वह कुछ नहीं कह सकता है। परिणाम यह होता है कि गुस्से में वह घर की चीजें तोड़ता है, दरवाजा पटकता है या पड़ोसियों से लड़ता है। पर कभी कभी अप्रत्यक्ष आक्रामकता का परिणाम इससे कहीं अधिक गंभीर हो सकता है। कभी कभी हड़ताल करने वाले या दंगा फसाद करने वाले छात्र या मजदूर सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ते फोड़ते हैं या निर्दोष लोगों को हानि पहुंचाते हैं सिर्फ इसलिए कि वह अपनी कुंठा या अपना गुस्सा अधिकारी वर्ग पर नहीं निकाल पाते। 24.8 मानव क्षमता इंजीनियरिंग। आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने बहुत उन्नति की है। हम दिन रात मशीनों और उपकरणों से काम करते हैं। क्षेत्र विस्तृत है। आप चाहे मशीनों में उलझे फैक्ट्री के मजदूर को लीजिए, कार चलाते ड्राइवर को लीजिए, ट्रैक्टर या थ्रेसर का इस्तेमाल करते किसान को लीजिए, कंप्यूटर पर बैठे प्रोग्रामर या इंजीनियर को लीजिए, सभी मशीनों से काम करते दिखाई देते हैं। मशीनों को चलाने वाला इंसान है, इसलिए मशीनों को इंसान के अनुकूल होना चाहिए। अन्य शब्दों में अगर हम उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो हमें मशीनों का निर्माण करते समय मनुष्य की सुविधा का पूरा ध्यान रखना होगा।
कार्य स्थल पर व्यक्तित्व की दक्षता के अध्ययन को मानव क्षमता इंजीनियरिंग या श्रम दक्षता शास्त्र कहते हैं। व्यवहारिक मनोविज्ञान की इस शाखा में जिन लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें मानव क्षमता विशेषज्ञ कहते हैं। कार्य स्थल और मशीनें मानव के अनुरूप होनी चाहिए, यह प्रश्न कब और कैसे उठा? दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 22 महीनों में अमेरिकी वायुसेना के 457 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इन दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आया कि विमान चालक समान दिखने वाले दो लीवर्स में गलती कर जाते थे, जिनमें से एक उतरने के लिए और दूसरा विमान के परों पर नियंत्रण पाने के लिए था, और फिर उन्हें डायल देखने से यह भी ठीक से मालूम नहीं पड़ता था कि उनके पास पेट्रोल पर्याप्त है या नहीं। शीघ्र ही यह महसूस किया गया कि कार्य कुशल विमान चालकों के लिए केवल चुनाव और प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं, अगर हम दुर्घटनाओं से बचना चाहते हैं तो हमें विमानों की रचना में सुधार लाना होगा। डिजाइन इंजीनियरों ने पहली बार मनोवैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, जिससे मशीनों को मनुष्य की आवश्यकता और क्षमता के अनुरूप बनाया जा सके। विमान को नीचे उतारने के लिए प्रयुक्त गियर और परों को नियंत्रित करने वाले लीवर की आकृति इस प्रकार बनाई गई कि दोनों में अंतर अस्पष्ट था और गलती होने का कोई अंदेशा नहीं रहा। इसी प्रकार ईंधन वाले डायल पर चिन्हों को बदला गया और गैलन के स्थान पर फुल, हाफ फुल और एम्प्टी लिखा गया। आपने आजकल की कारों या बसों में इस पर ध्यान दिया होगा। मानव क्षमता के विशेषज्ञों का मुख्य कार्य यह देखना है कि मशीनें प्रयोगकर्ता को ध्यान में रखकर बनाई गई हों, जिससे कि उनका ज्यादा से ज्यादा कुशलता से प्रयोग किया जा सके और कम से कम गलतियां हों। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य स्थल पर प्रकाश, वायु और शोर जैसे तत्वों के प्रभाव का अध्ययन करते और कारखानों में सुधार लाते हैं, उन्हें अधिक सुखद, सुरक्षित और कार्य के अनुकूल बनाते हैं। उत्पादन के अनुपात में कार्य घंटों का यह देखने के लिए अध्ययन किया गया कि व्यक्ति कितनी देर तक अपना पूरा ध्यान केंद्रित करके कार्य कर सकता है। कार्यकर्ता की प्रतिवर्ती क्रिया और प्रेरक क्रिया की गति पर भी ध्यान दिया जाता है। मानव क्षमता इंजीनियरिंग का परिणाम सदैव प्रत्यक्ष होता, विशेष रूप से जब वह सुरक्षा की बजाय आपकी सुविधा से जुड़ा हो। उदाहरण के लिए टेलीफोन को लें, इसका प्रयोग स्त्री, पुरुष और बच्चे समान रूप से करते हैं, अतः इसकी रचना में परिवर्तन से पहले ढेरों परीक्षण और गणना की जाती है। जैसे 1937 में नया रिसीवर बनाने से पहले 2000 स्त्रियों और पुरुषों के सिरों को नापा गया और तब कहीं जाकर रिसीवर के आकार को निश्चित किया गया। हम में से लगभग सभी दिन में कई बार कुर्सी पर बैठते हैं, कुछ तो 8-8 घंटे लगातार कुर्सी का प्रयोग करते हैं। हो सकता है आप भी इस समय कुर्सी पर बैठकर ही यह पढ़ रहे हों। जापान में चीबा विश्वविद्यालय के जीरो कोहारो ने अध्ययन किया है कि कुर्सी का हमारी शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। अध्ययन के दौरान उन्होंने देखा कि अगर कुर्सी की सीट बहुत ऊंची या बहुत लंबी है तो उससे हमारे रक्त परिभ्रमण में बाधा आती है। अगर कुर्सी की पीठ से हमारी रीढ़ की हड्डी को ठीक से सहारा नहीं मिलता तो हमारी पीठ एवं निचले हिस्से के मांसपेशियां थक जाती हैं और दर्द करने लगता है। कुर्सी की गद्दी अगर बहुत नरम है तो भी हमें तकलीफ होती है, क्योंकि आज हम हर चीज अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। उदाहरण के लिए रसोई घर के फट्ठों या अलमारियों को ही ले लीजिए, उनकी ऊंचाई एक खास नाप की बनाई जाती है जिससे काम करने में तकलीफ न हो। इससे शरीर का संतुलन बनाए रखने में कोई सहायता नहीं मिलती है। संतुलन बनाए रखने के लिए मांसपेशियों को निरंतर काम करना पड़ता है। 24.9 अंतरिक्ष में मानव पर किए गए प्रयोग। हम खंड 3 और 4 में अंतरिक्ष उड़ानों की उपयोगिता की चर्चा कर चुके हैं। सैटेलाइट से हम नक्षत्रों का अवलोकन कर सकते हैं, ऋतु संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधनों के मूल्यवान आंकड़े हासिल कर सकते हैं, फसल और जंगलों की स्थिति जान सकते हैं, अज्ञात को जानने की इच्छा और चंद्रमा या अन्य ग्रहों को देखने की आकांक्षा ने ही अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए मानव को प्रेरित किया है।
मानव की प्रवीणता और रचनात्मक शक्ति ने ही मानव को पृथ्वी से नियंत्रित उपकरणों की सहायता से वह खोज व अनुसंधान करने का अवसर प्रदान किया है। उदाहरण के लिए चंद्रमा पर मनुष्य की उपस्थिति के बिना चंद्रमा से मिट्टी के नमूने स्वचालित मशीनों और रॉकेटों द्वारा पृथ्वी पर लाए गए, फिर भी मनुष्य की आँख जैसी कोई चीज नहीं है। चंद्रमा या अन्य ग्रहों पर वह जो कुछ देख सकती है वह कैमरे की आँख ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन मानव के लिए अंतरिक्ष यात्रा कोई सरल काम नहीं। इसे संभव बनाने के लिए ही विषाणु, जीवाणु, चूहे, कुत्ते और बंदर जैसे जीव या जानवर भेजकर मूल्यवान अनुसंधान कार्य किया गया है। आज मानव अंतरिक्ष में जा सकता है, हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि उसके लिए यह यात्रा बहुत सुखद नहीं है। एकदम अपरिचित व अस्वाभाविक परिस्थितियों में से उसे गुजरना पड़ता है। अगर वह अकेला है तो लंबे समय तक उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। वातावरण भी एकदम नया होता है। खिड़की से बाहर उसे सिर्फ तारे ही तारे नजर आते हैं। वह अकेलापन और बाहर से संवेदना का अभाव मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। वह आँख, नाक, कान और त्वचा से अनुभूति चाहता है। सैटेलाइट से यात्रा करते समय व्यक्ति को लगता है कि वह भार रहित है। ग्लास को उल्टा कर देने पर पानी नहीं गिरता। इसी प्रकार खाना गले से नीचे नहीं उतरता। पानी अंदर करना भी मुश्किल हो जाता है। पाचन क्रिया और रक्त परिवहन की दृष्टि से हमारा शरीर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का आदि है। उसके समाप्त हो जाने पर विचित्र अनुभूति होती है। मांसपेशियों को हुलाना डुलाना भी मुश्किल हो जाता है। अंतरिक्ष यान में वायु का दबाव कृत्रिम होता है, क्योंकि यान के बाहर कोई हवा नहीं होती और किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि अंतरिक्ष यान तक नहीं पहुंच सकती। धोने, नहाने या शौच करने में भी कठिनाई होती है। जाहिर है ऐसी हालात में कोई भी अंतरिक्ष यात्री परेशान हो सकता है। इतना ही नहीं, वह भ्रमित, सुस्त और मानसिक रूप से असंतुलित भी हो सकता है। परंतु अभ्यास बहुत बड़ी सहायता करता है। आधुनिक अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे अरसे तक अभ्यास कराया जाता है। शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उन्हें अंतरिक्ष के लिए तैयार किया जाता है। उसे गुरुत्वाकर्षण से परिचित करवाया जाता है, जिससे अंतरिक्ष में उसे एकाएक अटपटा न लगे या असुविधा न हो। जहाँ तक किसी से बातचीत करने का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री आज टेलीफोन से पृथ्वी पर अपने साथियों से बातचीत कर सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को हर तरह का अभ्यास करवाया जाता है और अब सिर्फ एक नहीं, दो दो, तीन तीन लोगों को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इससे पता चलता है कि हमारे शरीर व मस्तिष्क दाब, गुरुत्व शक्ति, संवेदन और संप्रेषण के इतना आदि हो चुके हैं कि हम इनके बिना नहीं रह सकते। असामान्य वातावरण का हमारे शरीर और मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। 24.10 सारांश। इस इकाई में आपने निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया। उद्दीपन से अनुक्रिया पैदा करने वाले प्रशिक्षण से या पुरस्कार और दंड से या स्मृति, तर्क, विश्लेषण और संश्लेषण से प्राप्त हुए संज्ञानात्मक ज्ञान द्वारा हमारे व्यवहार में काफी हद तक अस्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अपना एक क्रम है जो शारीरिक विकास से जुड़ा है, जैसा कि स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसंधान से स्पष्ट है। संज्ञानात्मक विकास को बौद्धिक स्तर से और मौलिक विचारों की क्षमता को वैयक्तिक रचनात्मकता से नापा जाता है। हालांकि बौद्धिक स्तर और वैयक्तिक रचनात्मकता के बीच विशेष संबंध नहीं है। किशोरावस्था बचपन और वयस्कता का सेतु है। इस अवस्था में शारीरिक विकास बहुत गति से होता है। यह समय समाज में अपनी नई भूमिका के बारे में परीक्षण, प्रयोग और अनिश्चय का है। आक्रामकता एक ऐसा व्यवहार है जिसमें हम दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं, उसकी वस्तुओं को नष्ट भ्रष्ट करना चाहते हैं। पशुओं में यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, जबकि मनुष्यों में प्रायः सीखी हुई होती है। अक्सर यह व्यवहार आंतरिक संघर्ष, दबाव या कुंठा का परिणाम होता है। मानव क्षमता इंजीनियरिंग का अर्थ है मशीनों और कार्य स्थल पर मनुष्य की दक्षता का अध्ययन। मनुष्य को ध्यान में रखकर यंत्रों और कार्य स्थल का निर्माण कर हम कार्य को सरल बना लेते हैं और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपके लिए 24वीं इकाई।
खंड 6 से। अब अगली इकाई 25वीं इकाई होगी, जिसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अब यहीं पे आपसे विदा चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।